हेलो गाइस, मेरा नाम है नोहित शर्मा और अभी मैं हूँ IIT रुड़की कैंपस के अंदर और अभी मैं टाइड्स बायो इनक्यूबेटर बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। और मैं IIT रुड़की इसलिए आया क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ थॉम्सो में। अगले 3 से 4 दिन में आपको थॉम्सो इवेंट पूरा ब्लॉग में दिखाऊँगा, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो अभी हम सबके पेपर फॉर्मेलिटीज़ चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आइडेंटिटी कार्ड्स बन रहे हैं, जितनी भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, आईडी कार्ड्स की पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो अभी हमारे जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कैंपस एम्बेसडर्स हैं, वो पूरी करवा रहे हैं। IIT रुड़की आया हूँ अभी और बहुत खूबसूरत कैंपस है, बहुत ज़्यादा हरियाली है और मैं आपको दिखाता हूँ वो टाइड्स बायो इनक्यूबेटर बिल्डिंग कैसी दिखती है। अभी आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये है टाइड्स बायो इनक्यूबेटर बिल्डिंग और मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स अभी अंदर हैं और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स इस समय हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है IIT रुड़की का कैंपस। अगले 3-4 दिन मैं थॉम्सो इवेंट पूरा व्लॉग में शूट करूँगा, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस, IIT रुड़की का कैंपस बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है। और अगले 2 से 3 दिन मैं यहीं पे हूँ तो आप लोगों को पूरा थॉम्सो दिखाऊंगा मैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और अलग अलग कॉलेज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं थॉम्सो में, यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत मज़ा आने वाला है सच में। जितनी IIT रुड़की कैंपस की तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत ब्यूटीफुल है। और कल शाम 6 बजे हम चले थे कोटा से और थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे रुड़की, IIT रुड़की कैंपस। ट्रेन राइट टाइम थी, हमें राइट टाइम पहुँचा दिया। गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ टाइड्स बायो इनक्यूबेटर बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग अंदर से ऐसी दिखती है, आप सब लोग देख लो। थॉम्सो 2022 मैक रजिस्ट्रेशन डेस्क इस तरफ है तो हमें उस तरफ जाना है। तो ये बीप है, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो फिर आप अपडेट्स ले पाओगे रिगार्डिंग ऑल द इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन ऑफ थॉम्सो 2022 विल बी कम्युनिकेटेड वाया बीप। और इसके अंदर अभी हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर गए हुए हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास और वहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी कार्ड्स बनवा रहे हैं। अंदर से बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, वाव। गाइस, मैं आपको मिलाता हूँ अपने दोस्तों पुनीत भाई से और शिवम भाई से। पुनीत भाई, कैसा लगा आपको IIT रोड के कैंपस? अभी तक बहुत मस्त लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी 2 बजे ही आए थे हम। तो शिवम भाई, थॉम्सो के लिए कितना एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है थॉम्सो के लिए तो। और पुनीत भाई, आप कितना एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। गाइस, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये है राजीव भवन। यह है स्टेशनरी शॉप कोटले भवन कैंटीन, अभी थोड़ी देर में खुल जाएगी और सामने लिखा हुआ आई लव कोटले भवन और वो है कैंटीन छोटी सी जहाँ से मैंने अभी चाय ली है। दोस्तों, ये थॉम्सो 2022 का बोर्ड लगा हुआ है ओपन माइक, डे फर्स्ट मैक ऑडी 15:30 आवर्स, डे 3 मैक ऑडी 09:30 आवर्स, मैं जाऊंगा इसमें। गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6,
सुबह हमें रूम्स मिल गए थे और रूम्स पे जाके मैं सो गया, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। अभी मैं निकला हुआ हूँ IIT रुड़की कैंपस एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राउंड में थॉम्सो की प्रिपरेशन चल रही है और कल से थॉम्सो स्टार्ट होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट होंगे मैं अपने ब्लॉग्स में कवर करूँगा। स्टेज बन रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है थॉम्सो में। थॉम्सो के लिए कैंपस को बहुत ब्यूटीफुली सजाया गया, मैं दिखाता हूँ। राजीव भवन जूस कॉर्नर एंड शेक और यह है नाइट कैंटीन। गाइस ये है थॉम्सो आईडी कार्ड, 14 to 16 अक्टूबर के लिए वैलिड है। यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड दे रखा है, नेम थॉम्सो आईडी, कॉलेज, कॉन्टैक्ट, अकोमोडेशन, यहाँ पे लिखा हुआ पार्टिसिपेंट्स, पीछे रूल्स और रेगुलेशन, थॉम्सो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का स्टैम्प। आज का ब्लॉग गाइज यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।